अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सैंक मैजिक बुक्स, जो कि आपको पता है आजकल बहुत कॉमन है और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर ये अवेलेबल है। तो फिर मैंने भी यहाँ एक पैकेज जो है वो ऑर्डर किया अपनी बेटी के लिए। तो जी सबसे पहले चेक करते हैं कि इस पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। 4 बुक्स हैं, जिसमें से एक यहाँ पर है अल्फ़ाबेट की, और बेसिकली ये बुक्स जो है ना 3+ एज के बच्चों की, यानी कि वो जो लिख सकते हों। सेकेंड बुक यहाँ पर हमें दी जाती है नंबर्स की, और थर्ड पर बुक होती है मैथ में, यानी कि सब्सट्रैक्शन एडिशन, जो स्टार्टिंग बच्चों को होता है उस तरह के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और फोर्थ पे आ जाती है ड्राइंग, यानी कि लाइनिंग और ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पर प्री स्कूल में टीचिंग दी जाती है, वो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और इसके साथ एक मैजिक पेन है जिसके 10 रिफिल्स दिए गए हैं, और जी उसके साथ साथ एक वो पेन होल्डिंग ग्रिप बनाने के लिए जो होता है ना बच्चों का पेंसिल्स में या पेन में, एक वो पैक भी गिवन है इसका। तो इस पेन में जस्ट ये कहा जाता है कि भाई इसके साथ अगर आप लिखेंगे तो फिर वो थोड़ी देर के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, दैट्स वाई ये जो है एक मैजिकल पेन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है और एक तरफ उन्होंने सिंपल से ड्रॉ किया हुआ है। तो जो सिंपल ड्राइंग वाला एरिया ना, वहाँ पे आप इस पेन के साथ कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे नंबर्स वगैरह, तो वो थोड़ी देर के लिए तो लिखा रहेगा और विद इन अ मिनट जो है ना वो ईजिली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है मैथ्स की बुक, जिसके अंदर बहुत माइनर माइनर छोटे छोटे नंबर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो शो की गई है, काउंटिंग करके नंबर्स लिखवाए बच्चों से, और फिर उसको जो है आप सब्ट्रैक्स और जो है एडिशन में आप यूज़ करवा सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा इसके अंदर जो पेपर यूज़ किया गया है ना, वो एक नॉर्मल पेपर नहीं है, बड़ा एक हार्ड कहते हैं कार्डबोर्ड टाइप का वो है, यानी कि फट नहीं सकता है बहुत जल्दी, और क्योंकि आपको रेज भी नहीं करना है पेन, जब आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाएगा और आप उस पेज को, उस वर्ड को अगेन यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी अल्फ़ाबेट्स की बुक थी। तो यहाँ पर साथ में जो इसके पेन के बना है ना, उसके अंदर आपने इसका जो रिफिल दिया गया एक वो खुद ही से फिल करना है। यहाँ पर जी मैंने पेन कर दिया रेडी, और मैंने फिर रिताज को बोला कि वो इसके ऊपर राइटिंग स्टार्ट करे, लिख कर देखते हैं कि भाई कितनी देर तक के लिए जो है वो लिखा रहेगा और फिर खुद बहुत रिमूव हो जाएगा। तो वो यहाँ पर लिखने की ट्राई कर रही है, नो डाउट उसको वैसे तो लिखना काफ़ी हद तक अच्छे से आता है, लेकिन ये कि इस तरह से ये हो सकता है कि बच्चे की राइटिंग प्रॉपर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उसे पता चल सकता है कितनी लाइन्स में कौन सा वर्ड आना चाहिए, और क्या जो है वन लिखना तो वन का साइज़ कितना होना चाहिए, टू का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर जो बच्चों को राइटिंग सिखाई जाती है उस पर्पज़ के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। और वही विद इन अ मिनट जो है ये खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैजिक इंक जो है वो यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आप अगेन इस पेज को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 10-20+ टाइम जो इस पेज को यूज़ किया जा सकता है। मुझे तो इस लिहाज से ये बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हैं, और कोई मनी वेस्टिंग टाइप का नहीं लगा सीन, काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।